अगली बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्री और विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री और चुनाव प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है। बता दें आपको कि चुनावी तैयारियों के लिए, जिम्मेदारी के लिए तैयार होने को कह दिया गया है। सभी मंत्री विधायकों की बैठक लेंगे। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दें कि सत्ता और संगठन के दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, इसके साथ ही प्रदेश के तमाम जो विधायक है बीजेपी के, वो आज होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम निवास पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर है, आज एक बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने बुलाई है, मुख्यमंत्री ने बुलाई है। और सीधे रुख करते मेरी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, महत्वपूर्ण बैठक आज लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ जानकारी, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है सीएम हाउस में और विधायकों के क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, साथ ही जिम्मेदारी किस तरह से तय की जाएगी आज नेताओं की? जी जी, आज मुख्यमंत्री निवास में बैठक है जिसमें खुद डॉक्टर मोहन यादव बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं उसके साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं उनको बनाया गया है, वो सब इस बैठक में पहुंचेंगे। और लोकसभा चुनावों को लेकर जो तारीखें हैं वो तय हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत को लेकर जो रणनीति है वो तैयार कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई बैठकें हुई हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस बार चुनावों में जो फर्स्ट फेज का जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर किस तरीके से वोट शेयर बढ़ाना है, जनता के बीच पहुंचना है और प्रचार प्रसार को और ज्यादा तेज करना है, इन तमाम बातों को लेकर ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। और जया, ना सिर्फ ये बैठक बल्कि आज दिन भर मुख्यमंत्री निवास में इसी तरह से चुनाव को लेकर रणनीति बनाने को लेकर जो बैठकें हैं वो जारी रहेंगी। शुक्रिया आपका रंजना, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।